रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लैलास कुकिंग प्लस व्लॉग में। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए, और जब हम इन सारी सब्ज़ियों को मिलाकर बनाएंगे तो बहुत ही गज़ाइत से भरपूर जो है हमारी एक रेसिपी रेडी होने वाली है। जिसके लिए मैंने ली है यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का, ये मैंने गोभी का फूल लिया था, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके फूल जो है इसी तरह से रहेंगे, इस तरह से कट कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 अदद गाजरें ली थी, इनको भी क्यूब शेप में कट कर लिया है। सब्जियों को सारों को आपने एक ही शेप में कट करना है, उससे आपकी रेसिपी की बहुत खूबसूरती होती है। तो 3 अदद गाजरें हैं जी, इनको भी धो लिया है। 1 पाव मटर लिए थे मैंने और इनको भी मैंने जो है वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप के करीब हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए थे मैंने, आलू को भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी शेप में मैंने कट किया है, इनको भी वॉश कर लिया है। यहाँ पे 4 अदद थे शलजम, दरमियाने साइज़ के थे, मैंने 4 ले लिए थे। और ये देख सकते हैं ये भी इसी शेप में कट किए हुए हैं और इनको भी धो लिया है अच्छे तरीके से। आपने सब्जियों को अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 बड़ी प्याज है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर लहसुन अदरक है, लहसुन के 4-5 जवे थे और 2 टुकड़े मैंने लिए थे अदरक के, और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ी टमाटर है, इसको इस तरह से कट कर लिया है। 3-4 सब्ज़ मिर्ची हैं वो जाएंगी। और स्पाइसेस में बहुत ही सिंपल और सादे मसाले हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी जाएगी थोड़ी सी मसल के डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून ही गर्म मसाला जाएगा और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो चलें जी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के कढ़ाई में इसको कर लिया है गर्म। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, तो प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लिए। यहाँ पर माशाल्लाह से जो प्याज है हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर डालेंगे और 2 सब्ज़ियाँ डालूंगी। अच्छी तरह से इसको हम पका लेते हैं 2 से 3 मिनट तक के टमाटर अच्छे से गल जाए और फिर स्पाइसी डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और लहसुन अदरक की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी जो आपको बताए थे, तो सारे हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर अच्छा से भून लेते हैं। और साथ इसमें मैं डाल दूँगी मटर। मटर थोड़े सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनको पहले डाल देना है ताकि ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इन सब्जियों में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टीम में पकाएंगे हम ये सारी सब्जियाँ, तो इसलिए हम मटर जो है पहले मसाले में भून लेते हैं अच्छे से, और ये इसी में जो है हमारे मटर अच्छे से गल भी जाएंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं और फिर उसके बाद बाकी की सब्जियाँ ऐड करते हैं। यहाँ पर मटर अच्छी तरह से मैंने 3 से 4 मिनट भून लिए हैं, ये तकरीबन जो है ना आधे से ज़्यादा गल चुके हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। पानी का मैंने ये कहा था कि पानी नहीं डालना, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी, ठीक है। अब मैंने आलू ऐड कर दिए हैं मटर के साथ साथ ही, हम इसके अंदर डालेंगे शलजम, मिक्स करते जाएंगे। इतनी कलरफुल सी मज़ेदार सी ये हमारी सब्ज़ी रेडी होगी। और अब इसके अंदर डालेंगे गाजर और साथ ही गोभी भी ऐड कर देती हूँ। चलिए सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं मैंने, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। 3 से 4 मिनट भुनाई करके रख दूँगी दम पे पकने के लिए। ये दम में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। मैं तो जब भी मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का ऐड नहीं करती, इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा छींटा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर जब आप इसको इस तरह दम में पकाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी और गज़ाइयत से भरपूर ये हमारी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर किसी भी स्टेज पर आपको मेरी वीडियो पसंद आई रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी मैं इसकी करती हूँ भुनाई और फिर इसको रखूँगी पकने के लिए। हाँ, सब्जियों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज़बरदस्त सी कलरफुल सी ये लग रही हैं। अभी मैं इनको बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है ना वो 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी पकने के लिए जी। तो माशाल्लाह से हमारी जो मिक्स सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त, ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना
वो गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, इसको करते हैं मिक्स ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए इसमें, और साथ ही साथ हम इसको डिश आउट कर। आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसी लगी। अभी हमें इसको डालते हैं बाउल के अंदर, मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी है, मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जो है इस तमाम सब्जियों का अपना खुद का इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जी हमने कर लिया है डिश आउट, माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो हमारी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है, डिश आउट कर लिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक आसानी पहुँच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।